हौसला बुलंद बदमाशों ने देर रात चाकू से किया हमला। मंदिर से घर लौट रहे युवक को पीठ में मारा चाकू। चाकू के हमले से लहलुहान हुआ युवक। घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे परिजन। युवक की स्थिति गंभीर, डॉक्टरों ने बीएचयू के लिए किया रेफर। मिली जानकारी के अनुसार रास्ते में घायल युवक की हुई मौत। सुखपुरा थाना क्षेत्र के अपायल गांव का मामला। जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अपायल गांव में रविवार की रात पूर्व प्रधान के पुत्र का बदमाशों ने चाकू से कूदकर हत्या कर दिया। पुलिस ने नामजद चार अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के अपायल गांव स्थित मंदिर पर आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम था, जहां रविवार की रात आयोजित भंडारे से प्रसाद खाकर पूर्व प्रधान सरदानंद सिंह का पुत्र जीतू सिंह घर लौट रहा था। इसी बीच आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने जीतू सिंह पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे जीतू गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। आसपास के लोगों द्वारा जीतू को आनंद फानंद में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जीतू को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। परिजन को जीतू वाराणसी लेकर गए, जहाँ जीतू को बचाया नहीं जा सका। इस संबंध में सीओ सदर गौरव कुमार शर्मा ने बताया कि परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर चार नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नामजद दो व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य अभियुक्तों को पकड़ने के लिए टीम बना दी गई है, जल्द ही उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाएगा। आज दिनांक 15 सितम्बर 2024 को रात्रि में लगभग 9 बजे थाना सुखपुरा अंतर्गत ग्राम अपाहिल में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि व्यक्ति जिसका नाम जीतू सिंह है, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है, इस पर चार व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया, जिसके इलाज के लिए तत्काल इसे जिला चिकित्सालय बलिया भेजा गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए बेचूर रेफर किया गया है। परिजनों द्वारा चार नामजद व कुछ अज्ञात के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। चार नामजद में से दो अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है व शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या नाम है आपका? श्याम जी। कहाँ के रहने वाले? अपायल। थाना कौन सा? थाना सुखपुरा। क्या मामला है? आप जिला अस्पताल आए हैं। एक लड़के को कुछ लोगों ने चाकू से मार दिया है। कहाँ जा रहे थे चाकू? मंदिर से वो घर आ रहा था खाना खा कर। क्या कोई फंक्शन चल रहा था? हाँ, वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का होता, समापन दिवस था। तो क्या उम्र होगी लड़के का? लड़के का उम्र क्या है? अब वो लड़के का उम्र लगभग 8-9 में पढ़ता होगा। और प्री प्लानिंग थी उन लोगों की पहले से, 7-8 लोग थे। कितने लोग थे? 7-8 लोग। अच्छा, किस चीज़ से मारे हैं? चाकू से। कहाँ कहाँ लगा है? पीठ पे लगा है। तो पहले कहीं दुश्मनी सुनी था? कोई दुश्मनी नहीं थी। जिनका चोट लगा वो कितना, क्या उम्र है, क्या है? जीतू सिंह, उम्र लगभग 30 साल। यूपी 60 न्यूज़ के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।